साथियों, हमारे यहां कहा गया है, तत् रूपम यत् गुणः तत् विज्ञानम यत् धर्मः। यानी आपका बाहरी व्यक्तित्व तभी सार्थक है जब आप गुणवान भी होते हैं। इसी तरह विज्ञान वही उपयोगी है जो समाज के हित में हो। इसलिए समाज की मदद करने के लिए अपनी क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक सोच का उपयोग बहुत आवश्यक है। जब इस सोच के साथ काम किया जाता है तभी साइंस फॉर सोसाइटी का सामाजिक सिद्धांत भी सफल हो पाता है। साइंस और सोसाइटी का क्या मतलब है, ये जानने के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। हर कोई जानता है कि प्लास्टिक से प्रदूषण की स्थिति क्या है। क्या हमारे वैज्ञानिक ऐसे स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल बनाने की चुनौती ले सकते हैं जो प्लास्टिक की जगह ले सके? क्या ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का बेहतर तरीका खोजने की चुनौती हम ले सकते हैं? कोई ऐसा समाधान जिससे सोलर पावर के उपयोग में बढ़ोतरी हो सके, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सामान्य मानवी तक पहुंचाने के लिए बैटरी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इनोवेशन हम कर सकते हैं क्या? साथियों, हम ये सोचना होगा कि हम अपनी लैब में ऐसा क्या करें जिससे करोड़ों भारतीयों का जीवन आसान हो। हम स्थानीय स्तर पर पानी की समस्या का क्या कोई हल निकाल सकते हैं? कैसे हम लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचा सकते हैं? क्या हम कोई ऐसे आविष्कार कर सकते हैं जिनसे हेल्थ केयर पर होने वाला खर्च कम हो सके? क्या हमारा कोई आविष्कार किसानों को लाभ पहुंचा सकता है, उनकी आय बढ़ा सकता है, उनके श्रम में मदद कर सकता है? साथियों, हमें सोचना होगा कि साइंस का उपयोग कैसे लोगों के जीवन को सुगम बनाने में किया जा सकता है। और इसलिए साइंस फॉर सोसाइटी का बहुत महत्व है। जब सभी वैज्ञानिक, सभी देशवासी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश का भी लाभ होगा, मानवता का भी लाभ होगा।